हवाई फायरिंग एक खामोश कत्ल है, हवाई फायरिंग से इज्तनाब करें। अपना लाइसेंस याफ्ता वेपन को टेस्ट फायर करने के लिए पहले उसकी जगह का इंतखाब करें। अपनी करीबी शूटिंग रेंज में जाएं। अगर आपके पास शूटिंग रेंज अवेलेबल नहीं तो नरम ज़मीन के ऊपर कोई खड्डा खोद के महफूज फासले से उस पर टेस्ट फायर करें। चलते हैं अपनी वीडियो की जानिब। अस्सलामुअलैकुम गाइस, सूफ़ी हसन एक दफ़ा फिर आपकी खिदमत में एक इंटरेस्टिंग एपिसोड के साथ हाजिर है। आज हम जिस गन का मेल्डाउन करने जा रहे हैं, इसको 7 शॉट 30 बोर हमारी ज़ुबान में कहा जाता है, टेकारोव इसका बेसिक नाम है, 7.62-25 इसका कैलेबर होता है। और पाकिस्तान में बहुत सारे 30 बोर के जो लाइसेंस होल्डर्स हैं वो 7 शॉट को पसंद करते हैं, क्योंकि ये बहुत लाइट वेट भी होता है और कैरी करना भी बहुत इजी होता है। अपने सेल्फ डिफेंस के लिए जो लोग 7 शॉट इस्तेमाल करते हैं उनमें रशिया और चाइना के वेपन्स जो हैं वो भी बहुत फेमस है। टेकारोव में रशिया और चाइना के जो वेपन हैं वो पसंद किए जाते हैं ज़्यादा पाकिस्तान में। और हम जो आज आपके सामने मेल्डाउन करने जा रहे हैं गाइस, जिसको हम 30 बोर पिस्टल कहते हैं, इसमें 7 शॉट कैपेसिटी होती है इसकी मैगजीन की, और एक्सटेंशन के लिए लोग इसको आजकल लंबे मैगजीन लगवा रहे हैं, मगर उसकी परफॉर्मेंस कुछ बेहतर नहीं रहती। इसके जो ओरिजिनल मैगजीन्स हैं उसी की परफॉर्मेंस जो है ये बेहतर है। और ये दुनिया का सबसे सस्ता तरीन हम पिस्टल इसको कहेंगे। और इसमें हम जो कार्टेज यूज़ कर रहे हैं, बुलेट यूज़ कर रहे हैं, हम बिल्कुल लो कार्टेज जो है इसमें यूज़ कर रहे हैं, लोकली इंडस्ट्री मेड कार्टेज यूज़ कर रहे हैं। और देखते हैं कि ये कितने राउंड्स फायर करते हैं। गाइज, आज का शूट जो है हम वो फर्स्ट फ्लोर पे करेंगे, बेसमेंट में कुछ कंस्ट्रक्शन काम होने की वजह से हम अपने अगले 1-2 शूट जो हैं वो फर्स्ट फ्लोर पे करेंगे। चलते हैं अपनी शूटिंग रेंज में। थैंक यू। इंतजार की घड़ियां खत्म हुई, दी वर्ल्ड चीपेस्ट टेकारोव टेस्ट फायर करने जा रहे हैं कि ये कितने एक्चुअली कितने राउंड ये फायर कर सकते हैं। हमने अपनी क्लिक कर ली है। गाइज, एक अहम चीज मैं आपको बताता चलूं, ग्रेड ए बी सी की तो हमने बात कर ली, आप असोल्ट राइफल्स के जो हमने ग्रेड्स के रिव्यू किया है, ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी, और इनमें डिफरेंस क्या है, ये आपको हम वीडियो के लास्ट में दिखाएंगे कि ग्रेड ए, ग्रेड बी, ग्रेड सी, ग्रेड डी की जो असोल्ट राइफल्स है उनमें क्या डिफरेंस है और क्या फ़र्क है। बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। 7 शॉट 30 बोर दी वर्ल्ड चीपेस्ट पिस्टल कितने फायर कर सकता है। बिस्मिल्ला, सेकंड मैगजीन का जो मैगजीन है वो थोड़ा सा स्टक हुआ है, इसको हम निकालते हैं पेचकस की मदद से। गाइस, थर्ड मैगजीन है, सेकंड मैगजीन हमारा जो है वो मैगजीन स्टक हुआ था मगर फायर इसने बिल्कुल क्लियर की है। जो है वो
सा गर्म हो चुका है। ये हमारी फोर्थ मैगजीन है, क्योंकि हमने इसमें मैगजीन जो है वो और भी यूज की है, जो ओरिजिनल मैगजीन है वो इसमें बिल्कुल क्लियर चल रहे हैं, मगर ये जो हमने एक्स्ट्रा मैगजीन ली है ये थोड़ा सा मैगजीन जो है वो अंदर स्टक हो रहा है। पिस्टल ने अभी तक बहुत आला परफॉर्मेंस दिया और ये चल रहा है अभी तक। हम अपने सुपरवाइजर को कहेंगे कि काइंडली वो इसको देख लें। गाइस हमारे सुपरवाइजर ने यही बताया कि ओरिजिनल मैगजीन ना होने की वजह से ये थोड़ा सा ही वो इशू कर रहा है, मगर पिस्टल चल रहा है, पिस्टल में कोई इशू नहीं है, सिर्फ मैगजीन का इशू आ रहा है।
गाइस आप साथ साथ काउंट करते जाएं और कमेंट सेक्शन में बताएं कि इसने कितने फायर जो है वो किए हैं। मैं तो नहीं गिन रहा, आप गिनें। Thank you.
चल मलंगा चल। गाइस जस्ट गिव मी अ सेकंड, मेरा ये करते हैं, अगर ये आगे जाता है ठीक है, वरना आपको इसका
करते हैं कि इसने किस तरह की परफॉर्मेंस दी है, इसमें क्या मसला है, थोड़े की मदद से कोशिश करते हैं। अगर ये गाइस, ये पहला जाम है जिसमें शेल जो है वो नाली के अंदर रहा है और शेल जो है वो बाहर नहीं आया। गाइस, ये आई थिंक ये डन हो चुका है, ये मजीद इससे ज्यादा नहीं चल पाएगा। 7 शॉट 30 स्कोर था, मतलब जो परफॉर्मेंस इसने दी है, आई थिंक ये चाइनीज भी होता तो ऐसी परफॉर्मेंस, ओरिजिनल चाइनीज भी ऐसी परफॉर्मेंस नहीं देगा। ये वर्ल्ड चीपेस्ट पिस्टल है, दुनिया का सबसे सस्ता तरीन पिस्टल है और तकरीबन 400 राउंड जो है इसने अभी तक फायर किए, तकरीबन 400 राउंड। तो आप इमेजिन करें कि कौन सा पिस्टल है जो 400 राउंड फायर कर सकता है, और ये मजीद भी चल सकता है मेरे ख्याल से। खैर, शेल इसका जो है नाली के अंदर रह गया, अभी आपको खोल के दिखाते हैं कि ये इनसाइड जो है व्यू इसका किस तरह है। गाइस, वो जो शेल इसका अंदर है वो फिलहाल नहीं निकल रहा और हमारे सुपरवाइजर कह रहे हैं कि ये मजीद नहीं चल सकता, इसको पीछे खींचने की हम कोशिश कर रहे हैं मगर अंदर इसका जो है वो शेल स्टक हो चुका है, तो इसको खोलना पड़ेगा और आपको इनसाइड रिव्यू इसका दिखाते हैं। तो शर्त ये कि पहले ये थोड़ा सा ठंडा हो जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग, अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है गाइस तो लाइक और सब्सक्राइब करना नहीं भूलें, और इस तरह की मजीद बहुत सारी वीडियोज हम आपके लिए आगे लेके आ रहे हैं। वेलकम बैक गाइस, तो आपने मेल्डोन देखा 7 शॉट 30 बोर का और इसने तकरीबन 350 राउंड प्लस जो है फायर किए, और हम आपको वीडियो के लास्ट में बताएंगे कि एक्चुअली इसने कितने राउंड फायर किया। क्या क्या कमाल परफॉर्मेंस थी इस वेपन की, मुझे नहीं था पता कि द वर्ल्ड चीपेस्ट थिंग इतना बेटर परफॉर्मेंस कर पाएगा। गाइस, अगर हम इसके कार्टेज चेंज करते ग्रेड सी के वेपन में, अगर हम कार्टेज जो है वो इंग्लिश कार्टेज या इम्पोर्टेड कार्टेज यूज़ करें तो इसकी परफॉर्मेंस जो है वो मोर देन बेटर, और भी ज़्यादा बेहतर हो सकती है। तो गाइस, आज की वीडियो के साथ हमें इजाज़त दें, उम्मीद है कि आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई होगी। मज़ीद इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। अगले एपिसोड के लिए अपने होस्ट सूफी हसन को इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।